श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 21 अक्टूबर को रमा एकादशी है, ऐसे में इस व्रत को लेकर बहुत से भक्त जनों के मन में बहुत से सवाल भी है, क्योंकि इसी दिन द्वादशी तिथि भी है। एकादशी और द्वादशी तिथि कार्तिक मास की इस बार एक ही दिन पड़ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि रमा एकादशी 20 अक्टूबर शाम 4:40 से शुरू हो जाएगी, जो कि 21 अक्टूबर शाम 5 तक रहने वाली है। आपको इस दिन क्या करना होगा कि आप एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को ही रखेंगे और पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद कथा श्रवण करेंगे। उसके साथ में आपको यह छोटा सा उपाय भी अवश्य करना है, क्योंकि इस दिन अगर हम पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना उपाय करते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं वह सारे नष्ट होते हैं, वह चाहे हत्या का हो या फिर कुछ और पाप क्यों न हो। आपको इस दिन यह छोटा सा उपाय इस रमा एकादशी व्रत के साथ अवश्य करना है। आपको इस दिन क्या करना होगा कि प्रातःकाल स्नान आदि करके 11 नीम की पत्तियां आपको लेनी है। उसके साथ में आपको 41 चने की दाल के दाने भी लेने हैं और एक शुद्ध लोटा जल लेकर किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि जो 11 नीम की पत्तियां आप लेकर आए हैं उन्हें शिवलिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको अर्पित करिएगा। सबसे पूर्व 2 नीम की पत्तियां आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है, उसके बाद में 2 नीम की पत्तियां आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, 2-2 नीम की पत्तियां आपको गणेश जी और कार्तिकेय वाले स्थान पर अर्पित करनी है, उसके बाद 2 नीम की पत्तियां आपको जलाधारी वाली जगह पर अर्पित करनी है, बाकी बची हुई 1 पत्ती आपको नंदी महाराज के चरणों में अर्पित कर देनी है। अब जो आप 41 चने की दाल के दाने लेकर आए हैं उन्हें शिवलिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार से अर्पित करिएगा। कुछ दाने आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, कुछ दाने शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने हैं, कुछ दाने आपको गणेश जी और कार्तिकेय वाले स्थान पर, कुछ दाने आपको जलाधारी वाली जगह पर और बाकी बचे हुए दाने आपको नंदी महाराज के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस उपाय को करके आप अपने जीवन से जो भी कड़वाहट है, जो भी परेशानियां है वह इस उपाय से दूर कर सकते हैं। साथ ही में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो शुद्ध लोटा जल आप लेकर आए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा। इस उपाय को जिस तरीके से इस वीडियो में विधिवत रूप से बताया गया है पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा, आपको कुछ इस प्रकार से ही यह उपाय करना है। मैं आशा करता हूँ इस उपाय से जुड़ी हुई सभी जानकारी विस्तार पूर्वक आप तक पहुँच चुकी होगी। अगर फिर भी और कुछ विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।